ਵੀਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਥੈਂਕਸ ਮਾਦੀ ਪਾਨਾ ਤੇ ਪਾਤਾ ਵੀਰ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਾ ਪਦੰਸ ਧਮਪਦ गाथा कथा नंबर 123 123। ये जैतवन की एक महाधनी जिसके पास बहुत ज़्यादा धनी है, धान्य है, धन है, यानी ग्रेन्स हैं। उस समय तो ग्रेन्स की ज़्यादा वैल्यू हुआ करती थी। उस समय तक थोड़ी सी धातु भी आ गई थी, यानी मेटल भी आ गए थे, जैसे तांबा है या सोना है, छोटी छोटी पत्तियाँ या थोड़ी थोड़ी मुद्रा है। तो महाधनी एक व्यक्ति होता है जो सावित्री से व्यापार करता है, वहाँ से दही को, धन्ने को, धान को, ग्रेन्स को भर के लेके जाता है और दूध इलाके में बेचता है और वहाँ से पैसा कमा के लाता है। तो एक बार उसका काफिला जब जा रहा था तो वो एक गांव में ठहरा। जब वो जाने लगा तो उसे पता चला कि जिस रास्ते से वो जा रहा है उस रास्ते पर लुटेरे, चोर और डाकुओं का एक गिरोह है जो उसे लूटना चाहता है। क्योंकि आदमी जो व्यापार करता है वो अपने मुख पर छोड़ता है ये देखने के लिए कि आगे रास्ता ठीक है या नहीं है, नहीं है तो वो नहीं जाते। वही उसी गांव में एक भिक्खू संघ भी ठहरा हुआ है। वो जो वाणिज्य को है, वो जो व्यापारी है, वो कहता है कि भिक्खू संघ आप मेरे साथ रहें, मुझे ऐसे ऐसे दिक्कत है, आप मेरे साथ रहेंगे मेरा काफिला बढ़ जाएगा तो मुझे भी लाभ होगा और मैं आपका जो भोजन है उसका प्रबंध करूंगा। दोनों की जरूरत पूरी होती है। भिक्खू संघ उसकी सुरक्षा देते हुए बात को मान लेता है, उसके साथ रहता है। फिर पता चलता है कि अभी चोरों का गिरोह वहां से हटा नहीं है। तो जो वाणिज्य को है वो कहता है कि मुझे टाइम लगेगा भिक्खू संघ, अगर आपको जाना हो तो आप जा सकते हैं, क्योंकि जब तक ये गिरोह नहीं हटेगा मैं जाऊंगा नहीं, संभवतः मैं दूसरे रास्ते से दूसरी तरफ जाऊं जो आपका रास्ता ना हो। फिर वो वाणिज्य को दूसरे रास्ते से चला जाता है जहां गिरोह नहीं होता और भिक्खू अपने रास्ते बिहार आ जाते हैं और आकर भगवान को सारी बात बताते हैं कि किस किस तरह से घटना हुई। तब भगवान बुद्ध ने ये गाथा कही। वाणिज्यो एव भयंग मग्गं एपसत्थो महद्धनो विसंग जीवितो कामो एव पापानि परिवज्जये। वाणिज्य को एव भयंग मग्गं, यानी कि जो भय वाला मार्ग है, अपसत्थो महद्धनो, अपसत्थो का मतलब होता है, अपसत्थो का मतलब है छोटा काफिला, सत्थो माने होता है काफिला, यानी जो लोगों का ग्रुप होता है, यानी कि जो महाधनी है जिसके पास ज्यादा धन है वो भय वाले मार्ग को, भयंग मग्ग जो नहीं, भय वाला जो मार्ग है और ऐसा मार्ग है जहां पर जीवन का खतरा है उसको छोड़ देता है। विसंग जीवितु कामो एव, जैसे जीवित कामना वाला, जीवितो कामो एव, जैसे जीवन की कामना वाला जहर को छोड़ देता है, यानी कि अगर कहीं जहर हो तो वो उसको छुएगा भी नहीं क्योंकि उसे जीवन की कामना है। पापानी परिवजय, ऐसे ही जो पाप कर्म होता है उसको वो व्यक्ति छोड़ देता है जो व्यक्ति अपने दुखों से मुक्त होना चाहता है, यानी वज्जे, यानी वर्जित कर देता है उसको पाप कर्मों को, जो अपने दुखों से मुक्त होना चाहता है, निब्बान को प्राप्त करना चाहता है। तो भगवान बुद्ध देशना में कहते हैं कि जो समझदार व्यापारी होता है वो भय वाले रास्ते को और ऐसे रास्ते को जहां पर उसे कठिनाई हो, लुट पिट सकता है, उसको छोड़ देता है अगर उसके पास काफिला छोटा होता है तो। दूसरा, अगर कोई जीवन की कामना करता है तो इसको नहीं छूता है। ऐसे ही जो निब्बान की कामना करते हैं, जो पाप रहित जीवन की कामना करते हैं, जो सुख की कामना करते हैं, वो पाप को छोड़ देते हैं, पाप वाले रास्ते पे नहीं चलते हैं, उनको पाप वाले रास्ते पे नहीं जाना चाहिए। इसमें आप देखेंगे कि जो महाधनी है, यानी जो बड़ा धन वाला जो व्यक्ति है, वो जब देखता है कि असुरक्षा है तो अपनी सुरक्षा के लिए वो भिक्खु संघ से अपील करता है, रिक्वेस्ट करता है, याचना करता है कि उसके साथ आए, यानी कि जब भय हो, संकट हो तो वो अपना धन खर्च करने को तैयार है और शेल्टर उसे चाहिए, सुरक्षा चाहिए। दूसरी बात यह है कि वो जो भिक्खू संघ है, भिक्खू संघ उसकी याचना स्वीकार करके और उसके साथ देता है और अपना कर्तव्य निभाता है। और इस सारी बात को जब चर्चा में भगवान बुद्ध के सामने आते हैं तो भगवान बुद्ध इस गाथा को, कथा को कहते हैं। धन्यवाद। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है
और आपको लगता है कि धर्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Kameshu Michchara Virmani Sikkhapadam Smadhyami.